क्या समस्याएं थी आप? हम लोगों की ये समस्याएं थी कि पट्टा धारक जो यहाँ के जालौन के मोटर वालों का शोषण कर रहे थे, किसी को माल दे रहे हैं 600 फीट और उससे ले रहे हैं 28,000, किसी को दे रहे हैं 12,000, किसी को कोई अलग अलग सब पट्टा धारक रेट अलग अलग सबके रेट थे। ट्रांसपोर्टर्स और पट्टा धारकों की मीटिंग की गई कि एक उचित रेट पे जो है मार्केट में जो है बोरन को उपलब्ध कराया जाए, तो दोनों के बीच में बातचीत करा के एक सही रेट का निर्धारण हो सके ताकि मार्केट में जो है बोरन के दाम न बढ़े, इसके लिए बात की जाए। सर इनको क्या आश्वासन दिया गया? चर्चा में ये बात रही कि कितने ट्रक्स जो है किस घाट पे जाएंगे और कई समस्याएं पट्टे धारकों की भी रही कि कोई वहाँ जाके बदतमीजी या गुंडागर्दी ना करें, और कई ट्रक चालकों की भी समस्याएं थी कि कहीं उनको कोई भी अफसर तंग ना करे या किसी भी पट्टा धारक के यहाँ पर जो है उनके चालकों के साथ जो है बदतमीजी ना किया जाए या कोई भी उगाही नहीं की जाए, इस तरह की कई बातें रहीं। तो उन सबको हम लोगों ने कोशिश किया कि मिलजुल के जो है एक सोल्यूशन हो सके ताकि एक अच्छे तरीके से दोनों लोग काम कर सकें। सर ओवरलोडिंग के भी कुछ आदेश दिए गए हैं? ओवरलोडिंग में कोई आदेश नहीं, कुछ शासन का आदेश है कि ओवरलोडिंग अलाउड नहीं, उसी प्रकार से ही जो बिना ओवरलोडिंग के ही जो है।